बेशक लाख दावे जनता दल यूनाइटेड कर ले कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सियासी घमासान और खींचातनी जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहा है उसकी चर्चा अब नीचे तक जा रही है। बात की जाए तो भले ही दावा किया जा रहा हो कि पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ केंद्र का, उसके बाद कई जो सियासी बयान हैं वो निकलकर सामने आए। बात की जाए तो कहा जाने लगा कि रामचंद्र प्रसाद, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाल में ही मोदी कैबिनेट में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री बने हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गच्चा दे दिया। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी निकल कर सामने आया, लेकिन जो सियासी घमासान चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में, वो अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के कान तक और जुबान तक पहुंच गया है। बात की जाए तो आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो बातें हैं वो करने लगे हैं। उनमें से एक जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उस पर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकल कर सामने आ रही है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, आरसीपी सिंह के समर्थक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपस में भीड़ गए। बात की जाए तो इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि आरसीपी सिंह भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि नीतीश कुमार बेहद जल्द जो सत्ता है उनके पास, जो कुर्सी है उनके पास, उससे स्टेप डाउन कर जाएंगे। जैसे ही ये पोस्ट डाला गया आरसीपी सिंह के समर्थक द्वारा, उसके बाद तुरंत ही इस पर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ गए। कोई भी कहने लगा कि ये बेतुका बातें हैं, तो कोई कहने लगा कि ये कुर्मियों की पार्टी है। बात की जाए तो नीतीश कुमार को कोई बताया कि अभी भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे लंबे वक्त तक, जो उनकी सियासत है वो चलेगी, तो कई लोग ने आरसीपी सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री मान लिया। बात की जाए तो किसी ने कहा कि आरसीपी सिंह मुखिया तक का आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं और मुख्यमंत्री बनना दूर की बात है। तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से रामचंद्र प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ गए हैं। बात की जाए तो कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा बता रहा है, तो कोई आरसीपी सिंह को। बात की जाए तो आरसीपी सिंह को जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि पार्टी में जो कई नेता हैं वो नाखुश हैं, और ये सारे जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उस पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कई जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो चर्चाएं लगातार चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर खामे में कुछ भी ठीक नहीं है, वो बातें अब निचले स्तर पर, यानी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को मजबूत बनाते हैं, उनके कानों तक और उनके जुबानों तक ये बातें पहुँच गई हैं, और यही कारण है कि जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई राजनीतिक दलों ने इस बात का दावा भी किया है कि आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के जो संसदीय दल के नेता हैं वो खफा हैं, और एक विंग है जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो उनके साथ खड़ी है, वहीं दूसरा विंग दावा कर रहा है कि आरसीपी सिंह के साथ एक विंग है जो खड़ा है और अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पड़ रहे हैं। यहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में खींचातनी है, पार्टी कभी भी टूट जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग कि दो विंग में जनता दल यूनाइटेड बंट गया है और इस विंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चर्चा कहीं भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह, जो कि संसदीय दल के नेता हैं, वो एक विंग चला रहे हैं, तो दूसरे लोगों का कहना है कि आरसीपी सिंह के पास भी जनता दल यूनाइटेड का एक गुट है और नीतीश कुमार दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो रार छिड़ी है, उस रार के बीच हम आप तक एक खबर लेकर आए थे कि किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक और चाहने वाले भीड़ गए हैं रामचंद्र सिंह के समर्थक के साथ। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।